जागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका जिक्र स्कंद पुराण, विष्णु पुराण तथा लिंग पुराण में भी किया गया है। आज आप देखेंगे इस धर्म यात्रा की एक शर्त, अगर पहले उसे नहीं सुनेंगे तो संकट में फंसेंगे। यहां जिसका बुलावा आता है सिर्फ वही यहां पहुंच पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कौशिक और आप सभी देख रहे हैं ऑलमोस्ट के टिप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आए हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो मंदिर, यह जागेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे पहले शिवलिंग के रूप में पूजा जाने वाला मंदिर है। यहाँ पर सबसे पहले शिव जी की शिवलिंग के रूप में पूजा की गई थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जागेश्वर मंदिर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देने वाला हूँ। आप यहाँ पर किस तरीके से पहुँच सकते हैं, आरती का समय क्या है, आप किस तरीके से यहाँ पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं, पूजा पाठ किस तरीके से विधि विधान से की जाती है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। इस पवित्र पावन यात्रा का शुभारंभ हुआ चितई से होते हुए। उत्तराखंड के सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा की तरफ हमारा यह सफर बढ़ता चला गया। अल्मोड़ा के रास्ते में खूबसूरत वादियों ने आंचल फैलाकर हमारा स्वागत किया। इस सफर के दौरान देवदार के पेड़ों के बीच से निकलते हुए इन रस्तों ने हमारा मन मोह लिया। लगभग 15 किलोमीटर का खूबसूरत सफर तय करने के बाद हम मंदिर के काफी करीब पहुंच चुके थे। आप सामने जो देख रहे हो ये दंडेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि इस यात्रा का पहला पड़ाव है और जो मंदिर से 500 मीटर पहले पड़ता है। कार पार्किंग से लगभग 350 मीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है और ये इस यात्रा का पैदल मार्ग है। यहीं से आपको मंदिर के दर्शन होने लगते हैं और इसी से थोड़ा सा आगे राइट हैंड की तरफ को मंदिर का मुख्य द्वार है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही गजब का आध्यात्मिक सुकून मिलने लगा। तो चलिए दर्शन कराते हैं इस अनोखे धाम के, जिसके दर्शन मात्र से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि यह विश्व का पहला मंदिर है जहां सबसे पहले भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में करने की परंपरा शुरू की गई थी। जागेश्वर मंदिर 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिनमें से 108 मंदिरों के अंदर शिवलिंग विराजमान है तथा अन्य मंदिरों में अन्य देवी देवताएं विराजमान हैं। जागेश्वर मंदिर में ऐसे जो आप देख रहे हो मंदिर, इस तरीके के यहाँ पर 124 मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव के जितने भी शिवलिंग हैं उन सबकी पूजा पाठ की जाती है। जागेश्वर धाम दारुका वन में स्थित है। दारुका का मतलब है देवदार, तो यह मंदिर दारुका वन के बीच में स्थित है, इसलिए इस जगह को दारुका वन के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण के महीने में यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है। देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने और यहाँ पर रुद्राभिषेक करने भी आते हैं और यह मंदिर अपनी इसी नक्काशी की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पूजा करने वाले मुख्य देवता शिव, विष्णु शक्ति और सूर्य हैं। जागेश्वर के कुछ सबसे प्रमुख मंदिर हैं दंडेश्वर मंदिर, चंडी का मंदिर, जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी या नौ दुर्गा। नवग्रह मंदिर और सूर्य मंदिर, यदि आप शांति के साथ भक्ति की तलाश में हो तो इस स्थान की यात्रा कभी ना कभी जरूर करें। ये स्थान अपनी खूबियों की वजह से आपको आश्रम में डाल देगा। सप्त ऋषियों ने यहाँ पर आकर अपनी तपस्या भी की थी और सबसे पहले जो शिवलिंग की पूजा इसी मंदिर से शुरू की गई थी और यहाँ पर शिव जी को बाल रूप में पूजा जाता है। जागेश्वर धाम को एक नज़र भर देखने से ही यह ज्ञात हो जाता है कि यह मंदिर समूह लगभग हजारों वर्ष पुराना है। मंदिर से ही थोड़ा साइड में सामने की तरफ को यहाँ पर एक धारा बह रही है जिसको जटागंगा के नाम से जानते हैं
और यहाँ पर इसका जल बहुत पवित्र माना जाता है। इसी के जल को यहाँ पर शिव जी के ऊपर अर्पित किया जाता है। जागेश्वर धाम में वैसे तो 124 मंदिर है, लेकिन इन 124 मंदिर में से दो मुख्य मंदिर हैं। एक मंदिर है जागेश्वर मंदिर तथा दूसरा मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर। तो सबसे पहले हम आपको दोनों मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं और इन दोनों मंदिर के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे ही जागेश्वर मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो दो अद्भुत मूर्तियां वहां पर विराजित थी। वह दोनों मूर्तियां द्वारपाल की तरह पहरा दे रही थी। जागेश्वर धाम समुद्र तल से लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं आपको सीधा लेकर आया हूं शिवलिंग के दर्शन कराने। यह वही दिव्य शिवलिंग है जिसकी सृष्टि में सबसे पहले शिवलिंग के रूप में पूजा करने की प्रथा चालू की गई थी। मान्यता इस प्रकार भी है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र करने से सभी का जीवन धन्य हो जाता है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए यहाँ का नाम जागेश्वर पड़ा। सांस्कृतिक धाम कहे जाने वाले अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड के चारों धाम के अलावा इसको उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना गया है। यहां पहुंचकर भक्त महारुद्राभिषेक, काल सर्प योग की पूजा और महामृत्युंजय के जाप की पूजा भी करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव तथा कुश ने इसी जगह पर शिव जी के आह्वान के लिए यज्ञ किया था। मंदिर के प्रांगण में ही एक कमल कुंड बना हुआ है। यह कमल कुंड इस मंदिर के समय से ही बना हुआ है। कहा जाता है कि सावन के महीने में यहाँ पर बहुत सारे कमल के पुष्प इसमें खिलते हैं और उन कमल के पुष्प की पूजा मंदिर के अंदर की जाती है। जागेश्वर मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम आपको लेकर आए हैं महामृत्युंजय मंदिर में। महामृत्युंजय मंदिर की यहाँ बहुत ही ज्यादा मान्यता है। जिसके हृदय में भगवान शिव बैठे हैं उसको तो यहाँ आना ही पड़ता है। लोगों का यह विश्वास है कि महामृत्युंजय मंदिर में पूजा करने से अकाल मृत्यु का संकट समाप्त किया जा सकता है। इसकी एक वजह यह है कि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे अकेले देवता हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उनका एक नाम मृत्युंजय पड़ा। भगवान शिव यहाँ से ना जाए इसलिए यहाँ मृत्युंजय मंदिर में भगवान शिव को विराजित किया गया है। इस मंदिर का एक अद्भुत चमत्कार हम आपको दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो जो पेड़ है, इसमें बिल्कुल हाथी की तरह से शेप बनी हुई है। आंखें भी दिख रही हैं आपको, दोनों तरफ दांतें हैं और सूंड भी है। तो यह इस जगह का बहुत बड़ा चमत्कार का प्रमाण भी है। जागेश्वर मंदिर का समूह कब बना इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं है, परंतु मंदिर की वास्तुकला तथा शैली यह ज्ञात कराती है कि इसका निर्माण 7वीं से 10वीं सदी के समय का है। 7वीं सदी में राजा सालग्रह हुआ करते थे, जिन्होंने यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ था लकड़ी का बना हुआ था, तब उस समय उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। प्राचीन काल में ही यहाँ पर गुरु शंकराचार्य जी आए और उन्होंने आकर यहाँ पर इस मंदिर को देखा कि इस मंदिर की स्थिति काफी दयनीय थी, तब इसका पूर्ण उन्होंने जीर्णोद्धार कराया और उसके पश्चात यहाँ से उन्होंने अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू की। यहाँ से केदारनाथ के लिए भी यात्रा शुरू होती है। जागेश्वर मंदिर समूह कैलाश मानसरोवर के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है और ऐसा भी माना जाता है प्राचीन काल से कि जो शिव भक्त यहाँ पर शिव जी के दर्शन करने आते हैं वो यहाँ से रास्ता जाता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए, वो लोग अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। मंदिर की बनावट शैली कत्तूरी राजाओं के दौर की दिखती है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि समय समय पर मंदिर की वास्तुकला में परिवर्तन होता रहा है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण केदारनाथ मंदिर की जो शैली है उसी के तरीके से किया गया है। आप देख रहे हो चारों तरफ कितने सारे मंदिर बने गए हैं और ये जो मंदिर बनाए गए हैं
इनको चिपकाने के लिए यहाँ पर उड़द दाल के पेस्ट को यूज़ किया गया, जैसे सीमेंट को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर उड़द के दाल को यूज़ में किया गया, और ये कारीगरी जो पुराने समय की बहुत अच्छे से की गई है। जागेश्वर मंदिर की वैली चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। पीछे का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। इस मंदिर में एक विशेष प्रकार का वृक्ष मौजूद है और इस वृक्ष को अर्धनारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर नीचे से वृक्ष एक है और ऊपर शाखा में बटने के बाद में दो रूप में है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष में एक तरफ भगवान शिव और दूसरी तरफ माता पार्वती विराजमान है। इस मंदिर की एक यह भी मान्यता है कि जिन दाम्पत्य के जीवन में संतान का सुख नहीं है, अगर वो यहाँ पर आते हैं और विशेषकर सावन के महीने में वो यहाँ पर आए और रात भर पूजा करें और हाथ में दीपक जलाकर और सच्चे मनोभाव से पूजा करें और भगवान भोलेनाथ उन पर अपनी कृपा बना के रखें। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम के 12 ज्योतिर्लिंग होने के मत पर कई लोग सवाल उठाते हैं। इन वाद विवादों से परे सच यह है कि जागेश्वर धाम विश्वास का एक दूसरा नाम है। लोग यहां आते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप शीतकालीन में बर्फ के समय भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हो तो यह मंदिर सबसे अच्छा मंदिर है। यहां पर दिसंबर से लेकर जनवरी तक काफी अच्छी खासी बर्फबारी जाती है और शीतकालीन में बर्फ के समय आप बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। जागेश्वर धाम प्रातः 4 बजे खुलता है। यहाँ पर दिन की पहली आरती सूर्योदय से पहले की जाती है तथा दूसरी आरती प्रातः 10 बजे और साय की आरती सूर्यास्त के बाद होती है और मंदिर देर रात तक खुला रहता है। यहाँ आकर आप हमारी प्राचीन संस्कृति धरोहर की बेजोड़ शिल्प कला का दर्शन जरूर करने आए, जो हमारी 1000 साल पुरानी विरासत से परिचित कराती है, जो हमें हिंदू होने पे गर्व कराती है और हमें एहसास कराती है कि कितना महान समृद्ध हमारा इतिहास रहा है। अगर आप अल्मोड़ा आते हो तो एक बार यहाँ पर जरूर आएं और यहाँ पर आकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं और यहाँ से भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त करें। यहाँ की देवतुल्यता, अलौकिकता तथा यहाँ का वन आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। आप हमारी संस्कृति की इस बेजोड़ नमूने को सभी के साथ शेयर जरूर करें ताकि लोग भी जान सके कि सनातन में कितनी महान महान प्राचीन धरोहर है जिनसे आज भी हम सब परिचित नहीं हैं। दोस्तों, आप दुनिया भर के बहुत सारे मंदिर में गए होंगे। हर किसी मंदिर में जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलती है और लगभग हर मंदिरों में थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है इस मंदिर में बिल्कुल भी शोर नहीं है। यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा शांत है और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर लोग ही नहीं आते, यहाँ पर संख्या में काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आते हैं, परंतु यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा शांत है। सिर्फ आपको यहाँ पर घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी और यह मंदिर अल्मोड़ा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब अल्मोड़ा से यहाँ पर आओगे तो आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलने वाला, काफ़ी कम गाड़ियाँ यहाँ से आने जाने की आवाजाही रहती है। रास्ता भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है और ये जो मेरी यात्रा है बहुत अच्छी रही। इस यात्रा का जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा रहा और बाबा के दर्शन भी बहुत प्यार से हुए। स्टे करने के लिए आपको जागेश्वर में ही काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां आपको 500 से 700 रुपए के बीच में काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी अगर आपका बजट उससे ज़्यादा का है तो आपको अपने बजट के हिसाब से भी यहां पर रहने की व्यवस्था मिल जाती है और इसी बाज़ार में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ से आपको खाने की व्यवस्था भी मिल जाती है। बाकी यहीं पास में काफ़ी सारे आपको होम स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे। होम स्टे में आप आसानी से रह सकते हैं, जहां पर आपको घर जैसे रहने का माहौल मिलता है, काफ़ी बजट में रहता है और आपको फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है, तो आप अपने बजट के हिसाब से यहां पर स्टे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप भी यहां आना चाहते हैं तो यहां पहुँचना बहुत ही आसान है। आप किसी भी जगह से काठगोदाम की ट्रेन बुक करा सकते हैं। काठगोदाम से यहाँ की दूरी लगभग 115 किलोमीटर की है, तो आप वहाँ से किसी भी तरीके का शेयरिंग कैब वगैरह करके यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। बाकी आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी बहुत आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं।
यहाँ की कनेक्टिविटी सभी जगह से जुड़ी हुई है। दिल्ली या अन्य राज्यों से आप यहाँ बहुत आसानी से आ सकते हैं। सबसे पहले आपको अल्मोड़ा आना पड़ेगा। अल्मोड़ा से यहाँ की दूरी लगभग 36 किलोमीटर की है, तो यहाँ का सफर बहुत ही मनमोहक और बहुत ही प्यारा है। दोस्तों, जागेश्वर धाम की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में और यहाँ के पौराणिक महत्व के बारे में और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकती थी वो सारी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी है। और साथ में यहाँ पर आप किस तरीके से पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रहने खाने की क्या व्यवस्था है, क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्या क्या सुविधा आपको मिलने वाली है, किस किस तरीके से प्लान करके यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, वो सारी जानकारी इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय जागेश्वर जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। एंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। एंड इसी तरीके से आप सभी अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके की वीडियो आपको मैं बनाकर शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। बोलो हर हर महादेव।